दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडी रूट्स में एक बार फिर से। और मेरे पास है रेडमी नोट 5, एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और रियलमी 3। दोस्तों ये तीनों ही फ़ोन अपने आप में दोस्तों एक काबिले तारीफ फ़ोन थे जब ये यहाँ पर लॉन्च हुए थे एक साथ, और काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पर बना था। 2021 हो चुका है, लगभग 3 साल इन फ़ोन को कंप्लीट हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए। और यहाँ पर अब जानते हैं कि सबसे अच्छा किस कंपनी ने यहाँ पर काम किया अपने फ़ोन पे और कैसा फीचर्स अभी ये दोस्तों प्रोवाइड करता है। दोस्तों जो यहाँ पर दोनों फ़ोन है Realme 3, Asus ZenFone Max Pro M1, उसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और बाकी Redmi Note 5 में 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। दोस्तों Redmi Note 5 में यहाँ पर 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, Asus ZenFone Max Pro M1 में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और जो Realme दोस्तों 3 है यहाँ पर उसमें 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो थोड़ी बढ़त यहाँ पर सेल्फी में मिलती है Realme 3 को, लेकिन दोस्तों रिजल्ट कुछ यहाँ पर अलग ही देखने को मिलेंगे। 2021 दोस्तों चल रहा है और यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 साल तीनों ही फोन को लॉन्च हुए हुए हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे यहां पर इन तीनों के फोटो सैंपल से। दोस्तों फर्स्ट सैंपल में आप यहां पर देख सकते हैं बीच में Redmi Note 5 और राइट साइड में Realme 3 और लेफ्ट साइड में Asus ZenFone Max Pro M1। तो सबसे जो दोस्तों अच्छी यहां पर पिक्चर देखने को लगेगी वो Realme 3 से आपको देखने को लगेगी, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटी है दोस्तों वो Asus ZenFone Max Pro M1 में यहां पर कैप्चर हुई है। और नेक्स्ट सैंपल से आपको यहां पर क्लियरली पता लग जाएगा जो Realme दोस्तों 3 है, मैं दोस्तों ये नहीं कहता हूँ कि बेकार पिक्चर है, लेकिन जो ओवर कलरनेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर नॉइस की बात करें तो Redmi Note 5 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉइस है, उसके बाद यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro में नॉइस है, और सबसे कम यहाँ पर Realme 3 में आपको देखने को नॉइस मिल जाएगी। दोस्तों अगर नाइट में आप डायनामिक रेंज की बात करोगे तो सबसे अच्छी फ़ोटो दोस्तों सबसे पहले ही पता लग जाएगा कि Realme 3 की यहां पर निकल कर आई है, क्योंकि दोस्तों Realme 3 में आपको यहां पर नाइट मोड देखने को मिलेगा जिससे मैंने ये पिक्चर क्लिक की है। और Redmi Note 5 और Asus ZenFone Max Pro M1 में यहां पर फ़ोटो की दोस्तों बिल्कुल ख़राब क्वालिटी निकल कर आई है, तो दोस्तों इससे कोई फ़ायदा नहीं है लेकर। नेक्स्ट सैंपल की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो डायनामिक रेंज है वो यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 की काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। उसके बाद दोस्तों Realme 3 जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी इमेज कैप्चर कर रहा है स्टार्टिंग से ही, और Redmi Note 5 दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कलर के मामले में पिछड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी दोस्तों सारे फ़ोन्स यहाँ पर लगभग सेम ही कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करें वीडियोस की इसमें, तो आप यहां पर फुल HD वीडियो सब में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन Asus ZenFone Max Pro में सबसे अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, साथ में 4K वीडियोस भी आप यहां पर कलेक्ट कर सकते हो। बात करें दोस्तों नेक्स्ट सैंपल में, यहाँ पर मुझे Realme 3 की पिक्चर काफ़ी सही लगी है। इसमें क्रोमा बूस्ट की ऑप्शन देखने को मिलती है जिसके साथ मैंने यहाँ पर पिक्चर क्लिक की है, तो काफ़ी सही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करें Asus ZenFone Max Pro M1 की, तो थोड़ी वाइटिश यहाँ पर फ़ोटो निकल कर आई है। दोस्तों नेक्स्ट सैंपल की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी फ़ोटोज़ दोस्तों Asus ZenFone Max Pro M1 में निकल कर आई है, उसके बाद यहाँ पर Realme 3 में, और उसके बाद Redmi Note 5 में। दोस्तों Redmi Note 5 में वैसे काफ़ी स्टेबल फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी, हर बार आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर दोस्तों बात करें Realme 3 की तो थोड़ी कम ज़्यादा यहाँ पर फ़ोटोज़ निकल कर आती रहती है। बात करें दोस्तों फ्रंट सेल्फी की, जहां पर Redmi Note 5 में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो नॉइज़ है सबसे कम यहां पर Redmi Note 5 में, उसके बाद दोस्तों Asus ZenFone Max Pro M1 में, और लास्ट में दोस्तों Realme 3 में यहां पर नॉइज़ देखने को आपको मिल जाएगी। बात करें दोस्तों डे लाइट कंडीशन की, पता नहीं दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर Realme 3 ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। वैसे नहीं है दोस्तों, थोड़ी वाइटिश यहाँ पर फ़ोटो निकल कर आई है, ये दोस्तों Realme के फ़ोन में स्टार्टिंग से ही पंगा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो Redmi Note 5 में मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर फ़ोटो दिखाई दे रही है। और आपको किसकी फ़ोटो अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बात करें दोस्तों इस लास्ट सैंपल की, इसमें दोस्तों आप बताइए आपको कौन सी फ़ोटो अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिखिएगा। मुझे पर्सनली दोस्तों यहाँ पर Realme 3 की फ़ोटो अच्छी लगी है। अगर डिटेल्स की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 5 और Asus ZenFone Max Pro M1 ने भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर की है। तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके दोस्तों शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।